किसी बड़े आदमी ने कभी बोला था कि लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स बिकॉज इट्स चीप, मतलब किसी के गलती से आप खुद सीख लीजिए, उसको अनदेखा मत कीजिए। हमने भी किसी और के गलती से सीखा है। अभी मैं आपको एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आप लोगों में से कितनों को इंडिया कॉइन के बारे में पता है, इंडिपेंडेंस डे कॉइन? अगर आप लोगों को इस कॉइन के बारे में पता है, वेरी गुड। अगर नहीं पता है, वेल डन। अभी मैं इस वीडियो में ये इंडिया कॉइन का जो रियलिटी है और इसके पीछे क्या चल रहा है, मैं आपको पूरा का पूरा दिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी दिखाने वाला हूँ कि कहीं पे भी अपना नाक डालने से पहले ये कितना इम्पोर्टेंट है ये जानना कि आप कहाँ पे नाक डाल रहे हो, मतलब आप कहाँ पे अपना पैसा डालने जा रहे हो, एक स्टडी करना उसके बारे में कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी जल चुका है और भी बहुत जलने वाला है अगर ये न्यूज सबके पास नहीं गया तो। As an active influencers as well as an proud Indian, आज का जो मेरा वीडियो है, मैं इस वीडियो में एक बहुत बड़ा ongoing scam के बारे में डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। अब बने रहिए, मेरा एनालिस्ट टीम के पास इतना सारा डेटाज है इस स्कैम के पीछे कि वो सब डेटाज इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एज अ स्कैम डिक्लेयर करता है। इस पे मेरा कुछ आता जाता नहीं है, ये वाला वीडियो में किसी का भी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जितना भी ट्रू फॉलोअर्स है उन सबको जानने का हक है कि ये जो ब्लॉकचेन सिस्टम है इसका पीछे क्या क्या कांड हो रहा है। जब इंटरनेट वर्ल्ड पे आया था, इंटरनेट का 1000 ब्राइट पॉइंट था, साथ ही साथ 1000 डार्क पॉइंट भी था, आज भी है। सेम वे ये ब्लॉकचेन भी एक तरह का आशीर्वाद है हम सब के लिए, और साथ ही साथ बहुत लोगों को ये निचोड़ चुका है अभी तक। और ये जो आज जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ये इंडिया में हो रहा है, हमारे देशवासियों के साथ गलत हो रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और इसके विरुद्ध आवाज उठाइए, ये आपका भी हक बनता है, हम लोगों का भी हक बनता है। साथ ही साथ आप ये भी सीख लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करके कॉइन का क्रॉस रियलिटी चेक कैसे करते हैं। अ लाइव एग्जांपल सोच लीजिए, आप एक पुलिस वाले हो और एक रेड पे आप एक बाइक वाले को पकड़े हो, तो सबसे पहले आप क्या पूछोगे, लाइसेंस दिखा भाई, करेक्ट। तो चलो पहले ये इंडिया कॉइन से स्टार्ट करते। और उससे भी पहले, आप अगर एक आईफोन यूजर हो, आईफोन का जो सर्च इंजिन में सफारी रहता है आपके लिए वो एक आशीर्वाद है, उससे ज्यादा सेफ सर्च इंजिन दुनिया में दूसरा नहीं है। कैसे वो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे मेरा सफारी, सर्च करते हैं INDCOIN.live। गौर से देखिए ऊपर क्या लिखा है, नॉट सिक्योर इंडिया कॉइन लाइव। इसका मतलब ये वाला जो इन लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट है ये सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको और एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, bitcoin.com, ठीक है, योर गेटवे टू बिटकॉइन। कहाँ पे लिखा है इधर, नॉट सिक्योर, कुछ लिखा है इधर, फर्स्ट प्रूफ आपको मिल गया, नाउ सेकेंड प्रूफ, चलिए लाइसेंस देखते हैं, FAQ। ये BSC वेरीफाइड सर्टिफाइड है, BSC वेरीफाइड सर्टिफिकेट है इसके पास, मतलब Binance स्मार्ट चेन वेरीफाइड। अंदर चलते हैं, कुछ नहीं चेक करना है आपको, बस आपको ये चेक करना है ये कॉन्टैक्ट, जो प्रोफाइल समरी का जो कॉन्टैक्ट है वो एक बार देख लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको ये एनालिटिक्स पे भी दिखाता हूँ, ये रहा टोकन कॉन्टैक्ट, देख लीजिए दोनों सेम है, एंड नंबर D245। चलिए इसका रियलिटी चेक करते हैं कि ये एक्चुअल में किसी टोकन का एड्रेस है या फिर किसी पर्सनल अकाउंट का एड्रेस है, लाइक आपका वजीरेक्स वॉलेट का पर्सनल कॉन्टैक्ट या फिर कॉइनडीसीएक्स गो का पर्सनल कॉन्टैक्ट। कॉपी कर लिया मैंने, अभी इसको कहाँ पे चेक करना है, इसको हम चेक करेंगे मेटामास्क पे, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। ये रहा मेरा मेटामास्क वॉलेट, एड टोकन, कस्टम टोकन या सर्च टोकन किसी में भी डालिए। चलिए पेस्ट, वी कुड नॉट फाइंड एनी टोकन विद दैट नेम, चलिए इस पे देख लेते, पर्सनल एड्रेस डिटेक्टेड, एंटर द टोकन कॉन्टैक्ट एड्रेस, हेंस इट प्रूव्स दैट ये कोई पर्सनल या फिर कोई सिंगल ओनर का एड्रेस है, कोई टोकन का एड्रेस नहीं है। तो चलो मैं आपको थोड़ा और कुछ डिटेल्स शो करता हूँ। उन लोगों वेबसाइट पे बाय प्री सेल क्लिक किया मैं इसमें, अब देखिए अंदर ये जो टोकन सेल इन्फो है, टोकन प्राइस BNB में दिखा रहा है, और जो सेल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये लोग इधर जो लिखा है स्टार्ट डेट संडे August 1-2, एंड सेल डेट August 14, ये 14 डेज का जो सेल कॉन्ट्रैक्ट रखा है इन लोगों ने वो है ये वाला एड्रेस, ये भी किसी का पर्सनल एड्रेस है।
इधर ये लोग साफ साफ लिखा है, यू कैन ऑल्सो बाय टोकन बाय सेंडिंग बीएनबी टू दिस कॉन्टेक्ट। ये लोग आपको डायरेक्टली बोल रहा है कि ये वाला किसी अननोन वॉलेट पे आप अपना बीएनबी सेंड कीजिए, जिसके थ्रू आप ये इंडिया कॉइन खरीद सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा बदबू वाला है। क्योंकि एज ए डेवलपर बोलिए या फिर आप किसी ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम बोलिए, जहाँ पे वो लोग बैंक में जब कॉल आता है कि डू नॉट शेयर योर यूआरएल, डू नॉट शेयर योर यूनिक नंबर, कार्ड पासवर्ड किसी के साथ, चाहे वो कोई भी कॉल करे, बैंक का प्रेसिडेंट ही क्यों ना कॉल करे, आप उसके साथ शेयर ना कीजिए। तो इधर ये लोग डायरेक्टली बोल रहा है कि आप अपना अकाउंट से हम लोगों के पास बीएनबी सेंड कीजिए, मतलब बाइनेंस कॉइन सेंड कीजिए, हम लोग आपको उसके अगेंस्ट इंडिया कॉइन सेंड करेंगे। चलो ये गया एक पॉइंट। इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा इन लोगों का जो डोमेन है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी वेबसाइट खड़ा करने से पहले आपको एक डोमेन खरीदना पड़ता है, चाहे आप वो godaddy.com से खरीदो या google.com से खरीदो। तो ये लोगों का जो डोमेन है वो godaddy.com से परचेस्ड है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे उन लोगों का डोमेन का एक क्लिप। उन लोगों का डोमेन का जो नेम है godaddy.com LLC, रजिस्टर हुआ था July 27 को और एक्सपायर है एक साल बाद July 27 को। अपडेट हुआ है 8 तारीख को, मतलब 1 अगस्त को, जिस दिन इन लोगों का जो टोकन है इंडिया कॉइन लाइव हुआ था। और नीचे जब आएंगे तो रजिस्टर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सब कुछ प्राइवेसी में डाला हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको वाजीरेक्स का जो एक्चुअल डोमेन है मैं आपको शो करता हूँ। ये रहा वाजीरेक्स का डोमेन, नाम देखिए markmonitor.inc। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आइए, सब कुछ पानी के जैसा इधर साफ साफ है। नेम पे डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर, ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ, फोन नंबर से स्टार्ट करके ईमेल आईडी, उन लोगों का रेसिडेंशियल एड्रेस, सब कुछ पानी के जैसा आपके सामने है। तो ये रहा आपके पास थर्ड प्रूफ, जिससे हम ये साबित करते हैं कि ये एक स्कैम है। साथ ही साथ बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि कोई भी कॉइन का व्हाइट पेपर, मतलब उस कॉइन का रीजन क्या है, उस कॉइन का सोर्स क्या है, ये कॉइन कैसे काम करता है, पीयर टू पीयर स्टेक अप प्रूफ, हर कुछ व्हाइट पेपर पे आपको मिल जाएगा। शायद आप बिटकॉइन व्हाइट पेपर के बारे में सुने होंगे। आपको अगर मैं बिटकॉइन का व्हाइट पेपर का वीडियो दिखाऊं तो आपके दिमाग फट जाएगा, वो इतना टेक्निकल होता है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इंडिया कॉइन का व्हाइट पेपर, सो कॉल्ड व्हाइट पेपर। आप ये ऊपर देख लो ये क्या लिखा है, VENNGAGE, vengage.net। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप कस्टमाइजली एक प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ये कोई ऑफिशियल इन लोगों का पेज नहीं है, तो इसपे ये लोग ये सब बेकार सा चीजें लिख के रखा है, जो कि ऑलरेडी आप अपना वेबसाइट से मिल जाएगा आपको। इसमें कोई भी टेक्निकल डेटा नहीं है। अदर साइड मैं आपको अगर बिटकॉइन का जो व्हाइट पेपर है उसको मैं दिखाऊं, तो ये रहा बिटकॉइन का व्हाइट पेपर। आप देख लीजिए कितना ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रांजैक्शन, प्रूफ ऑफ वर्क, इंसेंटिव्स, रिक्लेमिंग डिस्क स्पेस, ये सब होता है एक्चुअल एक कॉइन चलने का पीछे का जो मैकेनिज्म, जहाँ पे इंडिया कॉइन का जो व्हाइट पेपर है वो एक बोगस है। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है, जो इन लोगों का सोशल मीडिया हैंडलिंग है, एक तो है इन लोगों का टेलीग्राम पे चैनल, दूसरा है ट्विटर हैंडल, वो भी आपको दिखा देता हूँ। आपको शायद पता होगा कि कोई भी एक टोकन का ट्विटर हैंडल पे कितना लोग रह सकता है। इन लोगों का ट्विटर हैंडल देखिए, 23 फॉलोइंग 16 फॉलोअर्स, इंडिपेंडेंस डे कॉइन जॉइंड अप्रैल 2021। ठीक है, एक हल्का सा छोटा सा क्लिप। साथ ही साथ मैं अगर आपको इन लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे लेके जाऊं, आप देख लीजिए इन लोगों का डेवलपर एडमिन और ये टीम मेंबर स्नेहा देसाई, जिसका नाम की आपको इधर से मिल जाएगा, ये रहा स्नेहा देसाई। ठीक है, ये सब टीम मेंबर ग्रुप पे इतना बिजी है, ग्रुप पे इतना बैक टू बैक रिप्लाईज कर रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेक है। क्योंकि मैं अगर आपको कॉइन डीसीएक्स गो का ग्रुप दिखाऊं, उस पे आप एडमिन पे चलिए, ये रहा कॉइन डीसीएक्स गो का एडमिन, क्या लिखा है देखिए, आई एम एन ऑफिशियल कॉइन डीसीएक्स एडमिन, आई विल नेवर टेक्स्ट यू फर्स्ट। मिल गया आपको लास्ट। ये जो एविडेंस आपके स्क्रीन पे है, एक अननोन पर्सन जिसने ये इंडिया इंडिपेंडेंस टोकन खरीदा है, ये सेम प्रोसेस में उन लोगों के पास पर्सनल वॉलेट पे अपना बाइनेंस कॉइन सेंड करके, क्योंकि कोई भी खरीदेगा भाई, इमोशन पे चल के जब ये सुनते हैं कि हम चलो इंडिया टोकन है, इंडिया का टोकन, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है, तो कोई भी अपने आप पे थोड़ा सा तो बह जाएगा। तो इस भाई ने भी बहक जाके 55,000 टोकन खरीद लिया है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे उसका एक स्क्रीनशॉट, जो कि सेंड किया है मुझे। उसका ये बोलना है कि ये टोकन उसके अकाउंट पे तो आ गया है,
लेकिन ये BEP20 के नाम पे आया है। साथ ही साथ ये वाला टोकन वो कहीं पे सेंड नहीं कर पा रहा है, मतलब ये इसने ट्रस्ट वॉलेट पे खरीदा है। ट्रस्ट वॉलेट से तो आप बैंक के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो ना, आपका जो ट्रेडिशनल बैंक है। तो ये वाला कोई भी आप वॉलेट पे खरीदो, ये वाला जो कॉइन है ये आपको या तो WazirX या तो CoinDCX को कहीं पे सेंड करके फिर आपके बैंक में वो पैसा लाना है, यही प्रोसेस है। तो इस भाई का ये मानना है कि ही इज नॉट एबल टू सेंड एनी ऑफ हिज इंडिया कॉइन। अभी मैं आपको ये बताता हूँ ये BEP20 क्या है। ये रहा मेरा मेटामास्क का जो URL सर्च इंजिन है। व्हाट इज बीपी टोकन, ये देखिए, इज ए टोकन बिल्ट ऑन Binance स्मार्ट चेन। बीपी टोकन मेकर्स अलाउ यू टू क्रिएट योर ओन BEP20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कोडिंग। मतलब समझ रहे हो आप, आपका नाम नरेश हो, सुरेश हो, दिनेश हो, कुछ भी हो, आप आपके नाम का एक टोकन कभी भी निकल सकते हो ये BEP20 के हेल्प से, जो कि Binance स्मार्ट चेन पे बेस्ड है। आप ये डेवलपर्स के हेल्प लेके आप अपने नाम का टोकन कहीं पे भी निकाल सकते हो, किसी को भी उल्लू बना सकते हो, और मैं चाहूंगा कि आप ये कभी मत करो। इस वीडियो के अंत तक आपको क्या लगा, आपने क्या सीखे? जो मैं हर वीडियो के एंड पे बोलता हूँ कि सुनो सबके बात भाई, लेकिन करो अपने। हर कोई इधर एनालिस्ट बैठा है, हर कोई आपको डॉक्टर के जैसे प्रिस्क्रिप्शन दे देगा ये, लेकिन पैसा कौन डाल रहा है? आप डाल रहे हो। नुकसान होगा तो किसका होगा? आपका होगा। तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है क्रॉस चेक करने का? जरूर आपका बनता है। इन केस इन फ्यूचर किसी भी चीजों का कुछ एनालिसिस करना है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तब हम लोग है, हमारे टीम बैठा है जो ऑल टाइम 24/7 काम कर रहा है, कि मेरा चैनल का या फिर मेरे कम्युनिटी का जितना भी भाई बंधु है उनका दो पैसा चलो आए ना आए मैटर नहीं करता, लेकिन कोई गलत इन्फ्लुएंस ना हो पाए, किसी का कहीं पे पैसा ना डूब जाए हम लोगों के लिए, ये हम लोग नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कॉइन ऐसा चूज करो जिसका फ्यूचर हो, कॉइन ऐसा चूज करो जिसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा हो, चाहे वो 200-300 रुपया ज्यादा क्यों ना देना पड़े। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है। गैम्बलिंग खेलना है तो आप लॉटरी टिकट खरीदिए, किसी भी ट्रेडिंग सेंटर पे मत आइए। सो फ्रॉम नाउ डू योर ओन रिसर्च, डू योर ओन स्टडी, गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन। किसी भी चीजों में शक है, गूगल है भाई, डू गूगल। नहीं मिल रहा है गूगल पे, कमेंट पे डालिए कि पर्टिकुलरली वी वांट टू नो अबाउट दिस वर्ड, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। साथ ही साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो इंडिया कॉइन का सेल चल रहा है ये हम लोगों के सर्विलियंस में बहुत लेट पे आया है। ये स्टार्ट हो गया था August 1 से, चलेगा 14th of August, मतलब अभी भी 2-3 दिन है, बहुत लोग बच सकता है। शेयर कीजिए, सबको बोलिए, और ये वाला प्रोसेस के बारे में सबको नोटिफिकेशन दीजिए कि ये करना स्टार्ट कीजिए एज सून एज पॉसिबल। अगर इस मार्केट पे सस्टेन करना है, साथ ही साथ कमाना है, तो ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, अंधे के जैसा कुछ मत कीजिए। एंड आई एम पुटिंग एन ओपन चैलेंज टू ऑल दोज इंडिया कॉइन रिलेटेड फ्रॉड्स, इफ दे कैन प्रूव दैट देयर इंडिया कॉइन सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस कॉइन इज legit, it really exists, then prove it to us. Then not only we will personally ask sorry to them, we will promote their page lifelong for free. It's my word. That's it guys. I hope I made my point very clear to you. Take care, be safe, keep studying. Dev signing off.